हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो दुबई और यूएई न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए, मतलब न्यूली इशूड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए, मतलब आपको अपने होम कंट्री में रहते हुए दुबई का और यूएई का न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिला है और अभी आप न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं दुबई और यूएई, तो ट्रैवल करने के लिए क्या अप्रूवल लेना है या नहीं। एक्चुअली मेरा एक व्यूअर्स ने भी मुझसे सवाल किया है, उनका कहना है भाई इंडिया से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आ रहा हूँ, मुझे अप्रूवल लेना होगा कि नहीं न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड हो रहा है आप कहाँ लैंड करना चाहते हैं। यूएई में चार एयरपोर्ट है मेनली, दुबई, अबूधाबी, शारजा और रसल खैम। तो अगर आप दुबई एयरपोर्ट लैंड करना चाहते हैं तो दुबई एयरपोर्ट लैंड करने के लिए किसी भी तरह का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब मैं न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होल्डर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, न्यूली इशूड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जस्ट ट्रैवल से पहले आपको विद इन 48 आवर्स एक RT-PCR टेस्ट करना है और उसका नेगेटिव रिजल्ट साथ में लेकर ट्रैवल करना है। नेगेटिव रिजल्ट विद QR कोड होना चाहिए और ट्रैवल से 6 घंटे के अंदर एक रैपिड PCR टेस्ट करना है। जस्ट यही, मतलब कोई अप्रूवल नहीं लेना है। आप अनवैक्सीनेटेड है तो भी आप आराम से दुबई ट्रैवल कर सकते हैं, दुबई एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में कोई क्वारंटाइन नहीं है। आप अबूधाबी एयरपोर्ट लैंड करना चाहते हैं, देखिए अबूधाबी एयरपोर्ट लैंड करने के लिए ICA रजिस्टर अराइवल QR कोड लेना है। विदाउट अप्रूवल, विदाउट रजिस्टर अराइवल QR कोड आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आप अनवैक्सीनेटेड है, आप अबूधाबी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अनवैक्सीनेटेड पीपल जब अबूधाबी पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद यहाँ पर 10 डेज क्वारंटाइन में रहना है और डे 9 में RT-PCR टेस्ट करना है। आप वैक्सीनेटेड है तो अबूधाबी में आपको क्वारंटाइन में नहीं रहना है, जस्ट डे 4 और डे 8 में आपको RT-PCR टेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों, अबूधाबी एयरपोर्ट लैंड करने के लिए ICA रजिस्टर्ड अराइवल QR कोड मैंडेटरी है। नेक्स्ट, आप शारजा और रसल खैम एयरपोर्ट लैंड करना चाहते हैं तो शारजा और रसल खैम एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स ही लैंड कर सकते हैं, अनवैक्सीनेटेड नॉट अलाउड। बाकी शारजा और रसल खैम लैंड करने के लिए आपको ICA रजिस्टर्ड अराइवल QR कोड, मतलब अप्रूवल आपको लेना है, विदाउट अप्रूवल आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दुबई एयरपोर्ट लैंड करें। देखिए, हो सकता है आपका न्यूली इशूड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अबूधाबी का है, शारजा का है, रसल खैम का है, मतलब दुबई छोड़ के अदर्स जो एमिरेट्स है उन सब एमिरेट्स से इशू हुआ है, तो आप दुबई एयरपोर्ट लैंड करें। दुबई लैंड करने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। आप अनवैक्सीनेटेड है तो भी आप लैंड कर सकते हैं, यहाँ पर कोई क्वारंटाइन भी नहीं है। दुबई लैंड करने के बाद दुबई से बाई रोड अबूधाबी, शारजा, रसल खैम आप कहीं पर भी जा सकते हैं, बाई बस, बाई टैक्सी आप ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब दुबई एयरपोर्ट बहुत ईजी है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं दुबई एयरपोर्ट। हाँ, टिकट महंगा है, काफ़ी महंगा है, लेकिन ट्रैवल प्रोसीडियर मतलब बहुत इजीली आराम से आप दुबई एयरपोर्ट ट्रैवल कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वारंटाइन नहीं है, यहाँ पर आप अनवैक्सीनेटेड है आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। जस्ट मेरा सजेशन यही है कि दुबई लैंड करें, दुबई से अदर्स एमिरेट्स आप भी बाई बस, बाई टैक्सी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।